दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है राजकुमारी तितली की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक समय की बात है, वहाँ एक अति सुंदर राजकुमारी रहती थी। जितनी वो सुंदर थी वैसा ही उसका स्वभाव था, और ऐसी मनमोहक आँखें जिसमें आप खो जाएं। वो आस पड़ोस के सभी राज्यों में बहुत मशहूर थी, ना केवल अपनी सुंदरता के लिए पर अपनी बुद्धिमानी और सही फैसले के लिए भी। बहुत से राजकुमार उसके लिए दिलो जान लुटाना चाहते थे पर वो असफल रहे। एक व्यक्ति जो जादूगर था और वो उस सागर को भी सुखा सकता था, वो उस राजकुमारी के प्यार में पागल हो गया। वो जादूगर उस महल तक यात्रा करके आया ताकि स्काइला का हाथ विवाह के लिए मांग सके। हे सुंदर राजकुमारी, मैं यहाँ पर आपका हाथ विवाह के लिए मांगने आया हूँ। परंतु राजकुमारी ने उसे इनकार कर दिया, नहीं तुम इस योग्य नहीं हो। इतना सुनते ही जादूगर को बहुत गुस्सा आ गया। वो उससे बहुत प्रेम करता था और उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे एक तितली के रूप में बदल दिया और वो दोनों बस वहाँ से गायब हो गए। इससे पहले कि कोई जान पाता कि क्या हुआ था, उसने उससे वादा किया कि वो उसे उसका जीवन वापस कर देगा यदि वो उससे विवाह करने के लिए सहमत हो जाए। फिर भी स्काइला ने इनकार कर दिया। हे सुंदर राजकुमारी, अभी भी तुम मुझे क्यों मना कर रही हो? क्योंकि तुम इस योग्य नहीं हो। मैं इस योग्य नहीं, पर तुम एक तितली हो, मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हें वापस मानव रूप में बदल दूंगा। कभी नहीं। और एक रात उसे भागने का मौका मिला और उसने इसका पूरा लाभ उठाया। राजकुमारी, तुम्हें सहमत होने में आखिर क्या समस्या है, बोलो। अरे वो तो चली गई। उड़ान थका देती है। राजकुमारी भूल गई कि वो एक तितली है, लेकिन फिर बहादुर राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछ लिए और वो आगे बढ़ती गई। ओ नहीं, हाँ ये क्या है? अरे ये मेरा नया मेहमान कौन है? मैं राजकुमारी हूँ। अरे कितनी सुंदर तितली है ये। तुमने मेरी तस्वीर अपनी दीवारों पर क्यों लगा रखी है? चित्रकार को उसकी दबी हुई आवाज़ नहीं सुनाई दी, क्योंकि राजकुमारी की आवाज़ इतनी महीन थी कि एक पतंगा भी उसे नहीं सुन पाता था। क्या तुम मेरी राजकुमारी की तस्वीर की प्रशंसा कर रही हो? आज तक ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने कभी भी नहीं देखी। उसका चेहरा मेरे सपनों में मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं उसके चित्र बनाता हूँ। पर मैं तो राजकुमारी हूँ। हाँ तुम क्या कर रही हो, मुझे जाने दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर रख देता हूँ, मेरी प्यारी तितली दोस्त। चित्रकार ने राजकुमारी को पकड़ लिया इस बात से अनजान कि ये वही राजकुमारी है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। दो दिनों के बाद एक बार जब उसके पंखों की मरम्मत हो गई, तो चित्रकार ने उसे हवा में आजाद कर दिया। राजकुमारी उड़ती रही उड़ती रही, ये ना जानते हुए कि वो कहाँ जाए।
हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? उसे एक सुंदर सा झरना मिला। इसने उसे उस झरने की याद दिलाई जहाँ वो हर पूर्णमासी को जाती थी और वहाँ वो जी भर कर गाती थी। और धीरे धीरे वो रोने लगी और एक बहुत ही उदास गीत गाने लगी। उसे ये बात पता नहीं थी कि वो झरना एक देवी का घर था। तुम्हारी बहुत ही लाजवाब आवाज है प्यारी नन्ही तितली। मैं राजकुमारी हूँ, मैंने तुम्हें गुनगुनाते हुए सुना अपने पानी से भरे घर के अंदर। गुनगुनाते हुए? मैंने सोचा मैं गा रही थी। राजकुमारी अभी भी ये नहीं समझ पाई कि संसार उसकी असली आवाज नहीं सुन सकता। कोई भी इंसान तुम्हें नहीं सुन सकता है, इसलिए मैं तुम्हें आवाज का वरदान देती हूँ। अब राजकुमारी की सच्ची आवाज सुनाई देने लगी। तितली राजकुमारी जी भर कर गाने लगी, जिसने देवी को इतना प्रसन्न किया कि उसने स्काइला को एक इच्छा मांगने का वरदान दे दिया। ओ धन्यवाद देवी! उसने देवी को अपनी पूरी कहानी सुनाई और उससे कहा कि उसकी ख्वाहिश है कि वो उसे उसका इंसानी रूप फिर से वापस दे दे। ओ, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये जादू इतना ताकतवर है कि मैं इसे हमेशा के लिए पलट नहीं सकती हूँ। हमेशा के लिए से आपका क्या मतलब है? मैं तुम्हें तुम्हारा मानवीय रूप दे सकती हूँ, पर केवल 2 मिनट के लिए ही। ओ धन्यवाद, धन्यवाद! केवल एक ही तरीका है इस सम्मोहन को तोड़ने का, कि उसे मारा जाए जिसने तुम पर ये जादू किया है। उस कमबख्त बूढ़े जादूगर ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। यदि तुम उस जादूगर को हरा सको तो तुम फिर से अपने मानव रूप में बदल सकती हो। राजकुमारी को बताया गया कि उसके ये 2 मिनट तब आएंगे जब उसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। यदि ये तुम्हारे 2 मिनट एक बार निकल गए तो तुम हमेशा के लिए तितली बन जाओगी, यदि तुम उस जादूगर को मार ना सको तो। हाँ देवी, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करने की जरूरत है। ओ मेरी प्यारी नन्ही तितली दोस्त, तुम वापस आ गई। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, कृपया मेरी मदद करो। अरे तुम तो बोल भी सकती हो, तुम्हें किस चीज की मदद चाहिए? मैं राजकुमारी स्काइला हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं वापस अपने इंसानी रूप में आ सकूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम राजकुमारी कैसे हो सकती हो जो इतने सालों से प्रेम और लगाव का लक्ष्य रही हो। तुम तो बस एक तितली हो। एक दुष्ट जादूगर ने जो मुझसे प्रेम करता था मुझे इस रूप में बदल दिया। मैं उस दुष्ट के जाल से बच कर आई हूँ। मैं यहाँ पहुँची हूँ उससे बचने की कोशिश में। वो बेचारा चित्रकार असमंजस में पड़ गया। क्या ये बोलने वाली तितली सचमुच राजकुमारी स्काइला हो सकती है? तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम राजकुमारी स्काइला हो। क्या बकवास है! तो क्या मुझे हर उस बोलने वाली तितली पर विश्वास करना होगा जो भटकती हुई मेरे घर के अंदर आ जाए? उसकी बात में दम तो था। ठीक है, मुझसे कुछ ऐसा पूछो जो असली राजकुमारी को ही पता हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे 6वें वर्षगांठ पर तुम्हें क्या दिया था? ये तो आसान है, बहुत ही शानदार घोड़े का बच्चा जिस पर आज तक मैं सवारी करती थी या करती हूँ जब मैं इंसान थी। सही है, हे भगवान, तुम तो सच में ही राजकुमारी हो। तुम्हें अपने घर में पाकर मैं बहुत सम्मानित हुआ हूँ। हाँ हाँ सम्मानित, हमें जल्दी चलना चाहिए वो जादूगर। बेशक मेरी राजकुमारी।
आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? हमें तुरंत ही निकलना चाहिए। तो क्या मैं निहत्थे ही उस जादूगर से लड़ लूँगा मेरी प्यारी राजकुमारी? मेरे पास शस्त्र और अस्त्र हैं, जो यहीं पर रखे हुए हैं। मैं उन्हें ढूंढता हूँ। वो इतना शूरवीर योद्धा तो नहीं था, पर फिर भी जब वो राजकुमारी के सामने खड़ा हुआ उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए, तो राजकुमारी के दिल की गहराइयों में कुछ हलचल हुई। तुम कितने समय से मेरे चित्र बनाते रहे हो? जिस दिन से तुम पैदा हुई उसी दिन से। तुम मुझे बहुत ही आकर्षित विषय लगी। मुझे पता नहीं था कि तुम बड़ी होकर इतनी ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। राजकुमारी ने तब महसूस किया कि ये चित्रकार वही व्यक्ति है जिसे वो जीवन भर ढूंढती रही है। क्या फिर हमें चलना नहीं चाहिए मेरी राजकुमारी? हाँ, हमें शीघ्र जादूगर के किले में चलना चाहिए। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगी। उन्होंने जादूगर के अंधेरे और मनहूस किले की ओर यात्रा की। उसका सोने का कमरा यही नीचे है। यदि वो सोता है तो शायद उसके उठने से पहले हम उसे मार सकते हैं। ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा योद्धा तो हूँ नहीं। कौन है वहाँ पर? हे भगवान, मेरे किले में घुसने की जुर्रत किसने की है? मैं हूँ राजकुमारी स्काइला, और ये है मेरा शूरवीर योद्धा। ये फड़फड़ाने वाला मूर्ख क्या मेरा विरोधी होगा? नहीं, मेरी राजकुमारी, तुम मुझे बचाने के लिए इंसान बन गई। तुम मेरे योद्धा हो, मेरे सच्चे राजकुमार। उसे मौत के दरवाजे पर खड़ा देखकर जादूगर का मन बदल गया। चाहे वो ऐसा ही महसूस करती हो या नहीं, मैं उससे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ और उसे मरने नहीं दे सकता। चला गया है, मैं एक बार फिर इंसान बन गई हूँ। चलो घर चले मेरी राजकुमारी। उन्होंने जादूगर के अस्तबल से एक घोड़ा चुराया और घर वापस जाने लगे, अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए, हमेशा खुशी खुशी जीने के लिए। सोनम को पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो हर वीकेंड पर पृथ्वी लोक पर घूमने जाती थी। एक दिन सोनम की मुलाकात संजय नाम के एक लड़के से होती है। संजय बहुत ही काला लड़का था, लेकिन वो दिल से बहुत ही अच्छा था। इसी तरह सोनम और संजय रोज मिलने लगे थे और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। बहुत जल्द वो दोनों शादी कर लेते हैं। सोनम शादी करके अपने परिलोक वापस चली जाती है। अरे सोनम, तुमने एक इंसान से शादी की है, अब तुम्हें परलोक में रहने का कोई हक नहीं। तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं नहीं, ये मेरा घर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अरे, तुमने एक इंसान से शादी करके हम परियों की नाक कटवाई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? जल्दी से यहाँ से चली जाओ, वरना हम तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन लेंगे। सोनम को परलोक की सारी परियाँ मिलकर परलोक से बाहर निकाल देती है। सोनम अपने पति के साथ पृथ्वी लोक पर रहने लगी थी। थोड़े समय बाद सोनम को एक बहुत ही प्यारी सी बेटी होती है, जिसका नाम वो अंजलि रखती है। लेकिन अंजलि अपने पिता की तरह बेहद काली थी। एक दिन संजय की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। सोनम परी अब अपनी बेटी के साथ पृथ्वी लोक पर अकेली रह जाती है। अब उसके पास ठीक से खाने के लिए दो वक्त की रोटी तक नहीं थी। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ,
उसे ठीक से खाना भी नहीं दे पा रही हूँ। मुझे अपने परीलोक वापस जाना चाहिए। सोनम अपनी बेटी को लेकर वापस अपने परीलोक जाती है। सोनम परी सीधा रानी परी के पास जाती है। रानी परी, मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं रहा। पृथ्वी लोक पर मैं अपनी बेटी को दो वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। आप प्लीज मुझे परीलोक में रहने की इजाज़त दीजिए। ठीक है सोनम परी, मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त देती हूँ, लेकिन तुमने एक इंसान से शादी की है, इसीलिए तुम कभी भी परियों के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। ठीक है रानी परी, मैं आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। बस यहाँ मेरी बेटी की परवरिश ठीक से हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद से सोनम अपनी बेटी के साथ परीलोक में रहने लगती है। परीलोक में बहुत ही सुंदर सुंदर परियां थी। सभी परियां सोनम की बेटी अंजलि का हमेशा मजाक उड़ाती रहती थी। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। अब अंजलि शादी लायक हो चुकी थी। सोनम को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। परीलोक में हर कोई अंजलि को देखकर चला जाता था और पीछे से उसका बहुत मजाक बनाता था। ये सब सोनम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन महल में रानी परी ने सभी परियों के लिए एक स्वयंवर आयोजित किया था। सभी सुंदर सुंदर परियां उसमें शामिल होती हैं। जब ये बात सोनम परी को पता चलती है तो वो भी अपनी बेटी अंजलि को लेकर उस स्वयंवर में पहुंच जाती है। अंजलि और सोनम को देखकर वहां सभी परियां बहुत गुस्सा हो जाती हैं। सोनम, यहां से चुपचाप चली जाओ। तुम यहां हमारा स्वयंवर खराब करने आई हो ना? नहीं नहीं बहन, ऐसा मत बोलो। देखो बहन, मेरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, इसीलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। क्या पता मेरी अंजलि को भी कोई लड़का मिल जाए। ये स्वयंवर परियों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। और तुमने पहले ही एक इंसान से शादी करके हम परियों की नाक कटवा दी है, इसीलिए अच्छा होगा कि ये इंसान की बच्ची को लेकर यहाँ से चुपचाप चली जाओ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं एक परी हूँ, मेरे अंदर एक परी वाले सारे गुण हैं। अगर तुम एक परी हो तो तुम इतनी काली क्यों हो? हमारी तरह गोरी क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि परियां बहुत खूबसूरत और गोरी होती हैं? तुम काली हो, बेहद काली, इसीलिए तुम एक परी बिल्कुल नहीं हो सकती। अब चुपचाप यहाँ से बाहर चली जाओ, वरना हम धक्के मार कर तुम्हें बाहर कर देंगे। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? तुम सब इतना चिल्ला क्यों रहे हो? देखिए ना रानी परी, ये सब मुझे और मेरी बेटी को इस स्वयंवर में आने से मना कर रही है। मेरी बेटी भी शादी लायक है रानी परी, उसे भी इस स्वयंवर में आने का पूरा हक है। देखिए रानी परी, अगर ये इंसान की बच्ची इस स्वयंवर में रहेगी तो हम सभी परियां यहाँ से अभी चली जाएंगी। हाँ हाँ, हम अभी चली जाएंगी। सोनम परी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम परियों के किसी भी कार्यक्रम में अब भाग नहीं ले सकती, इसीलिए तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा सकती हो। यदि तुम यहाँ से अभी के अभी नहीं गई तो तुम दोनों को धक्के मार कर परीलोक से बाहर निकाल दिया जाएगा। सोनम परी अपनी बेटी को लेकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एक दिन अंजलि परी पृथ्वी लोक पर घूमने जाती है, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, रक्षा करो मेरी। अरे लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अंजलि परी उस आवाज को सुनते हुए एक गुफा में चली जाती है। वो देखती है कि एक चुड़ैल ने रानी परी को बंदी बना रखा है। अरे ये तो रानी परी है, मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए। आज मुझे बरसों के बाद तू मिली है। तूने मुझे परीलोक से बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया था। अब देख, आज मैं अपना बदला लूंगी। मैंने तुम्हें परीलोक से इसीलिए निकाला था क्योंकि तुम काला जादू करती थी और दूसरी परियों को परेशान करती थी। मैंने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दी थी, कुछ गलत नहीं किया था। अब मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगी बुढ़िया, आज देखती हूँ तुझे कौन बचाता है। चुड़ैल रानी परी को मारने के लिए अपने शस्त्रों को तैयार करती है। ये चुड़ैल तो रानी परी को मार डालेगी। नहीं नहीं, मुझे रानी परी को बचाना होगा। तभी अंजलि
चुड़ैल के सामने पहुंच जाती है और बोलती है, रुको, तुम रानी परी को कुछ नहीं करोगी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, रानी परी को छोड़ दो। ए लड़की, चुपचाप यहाँ से बाहर चली जा, मेरी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं इस रानी को इसके किए की सजा दे रही हूँ। मैं सब जानती हूँ, रानी परी कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करती, इसीलिए इन्हें छोड़ दो। मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं रानी परी को अपने साथ ही लेकर जाऊँगी। चुड़ैल अंजलि पर अपने जादू से वार करती है और उसे गोल गोल घुमाकर जमीन पर गिरा देती है। मैंने कहा था तुझे कि चुपचाप यहाँ से बाहर चली जा, अब इस रानी परी से पहले मैं तुझे मारूंगी, उसके बाद इस रानी परी को मारूंगी। अंजलि अपने जादू से चुड़ैल से लड़कर रानी परी को आजाद कर देती है। रानी परी आजाद होते ही अपनी शक्तियों से चुड़ैल पर वार करती है और चुड़ैल को कैद कर लेती है। फिर अंजलि और रानी परी मिलकर चुड़ैल को भस्म कर देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अगर तुम आज सही समय पर नहीं आती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं मिलती। रानी परी, आप हम सबकी रक्षा करती हैं। यदि आज मैंने आपकी रक्षा की तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तुम सच में बहुत बहादुर हो, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा और तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया, मुझे माफ कर दो बेटी। कोई बात नहीं रानी माँ, जिस समय पर जो सही था आपने वही फैसला लिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं रानी माँ। अंजलि की ये बात सुनकर रानी परी अंजलि को गले से लगा लेती है और उससे कहती है, अरे रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इतना कहकर रानी परी एक सोने का लहंगा प्रकट करती है और अंजलि परी से कहती है, अंजलि ये लो बेटा, ये एक जादुई सोने का लहंगा है, इसे पहनते ही तुम बहुत ही खूबसूरत और गोरी हो जाओगी, तुमने मेरी इतनी मदद की है और ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये लो इसे पहन लो। उसके बाद अंजलि उस जादुई लहंगे को पहन लेती है और देखते ही देखते वो बहुत ही खूबसूरत और गोरी हो जाती है। फिर वो रानी परी का शुक्रिया अदा करती है और उसके बाद वो दोनों परीलोक वापस लौट जाते हैं। परीलोक आकर अंजलि अपनी माँ को सारी बात बताती है। रानी परी सोनम के पास अपने बेटे शाहरुख का रिश्ता लेकर पहुँच जाती है। सोनम, मुझे अपने बेटे शाहरुख की शादी तुम्हारी बेटी अंजलि के साथ करनी है, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? रानी परी, क्या आप सच में मेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ करना चाहती हैं? हाँ सोनम, तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है, आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी बेटी की वजह से, तुमने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। रानी परी की ये बात सुनकर सोनम बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद अंजलि और शाहरुख की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। उसके बाद अंजलि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बहुत खुशी खुशी करती है।